अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज वैसे तो एग्जिट पोल का दिन है, कई सारे न्यूज चैनल्स आज एग्जिट पोल को लेकर टीवी में बहस मुबासे करते हुए देखा जा रहा है। बहरहाल वो उनका अपना मसला है, क्योंकि अब वो यूपी में भी और दिगर रियासतों में भी भाजपा को ही जीतते दिखा रहे हैं। जाहिर है कि उनके अपने कुछ मसाइल होते हैं, क्योंकि वो गोदी मीडिया है तो वो उसका पैसा भी ले हुई रहती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से बंगाल में उन्होंने भाजपा को ही जिताया था। बाद में उनको पता चला कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी जीत चुकी है पूरी तरह से। खैर, आज यूपी में इंतखाबात का आखिरी मरहला भी खत्म हो गया। ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत में यूपी चुनाव को लेकर सभी की नजर टिकी हुई थी, क्योंकि यूपी में कोई भी पार्टी जीतती है तो समझो आगे मरकज में भी हुकूमत बना सकती है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भारत का वजीर आजम भी यूपी तो ये करता है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में अब तमाम वोटिंग के तमाम मरहले खत्म हो चुके हैं और सभी की जबान पर एक ही चर्चा तस्करा है कि इस बार योगी के लिए रास्ता बड़ा सख्त है। वादा रहे कि इससे पहले सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, आज आखिरी मरहले में वोटिंग भी धीमी रही। कुल 54% से कुछ ज्यादा वोटिंग फीसद रहा तो बनारस में 53% वोटिंग हुई, आजमगढ़ में तो इससे भी कम हुई। खैर, आवाम में कहीं पर भी जोश नजर नहीं आ रहा था। अब तो कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि आवाम भाजपा से बदजन है। बनारस में मोदी ने 3 रोड शो किए, अगर बनारस की 8 सीटों में 4 भी भाजपा जीत लिए तो बनारस वालों ने बहुत बड़ी मेहरबानी करने के बराबर कहा जा रहा है। सत्ता की जंग में समाजवादी पार्टी भाजपा पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है और ये 7.5 भाजपा का पीछा 2024 तक करती रहेगी। ना सिर्फ बनारस बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर का मामला देखने को मिल रहा है, जिससे न सिर्फ योगी बल्कि मोदी की रातों की नींदे उड़ती दिखाई दे रही है। आज जब इंतखाबात का 7वां मरला भी मुकम्मल हो गया तो भाजपा लीडरों के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। आज जिन 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हुई वे जिले हैं वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र। सिर्फ सोनभद्र में 26% के कुछ ज्यादा वोटिंग हुई, बाकी तरफ तो इससे भी कम हुई है। खास जिक्र बनारस का इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है और जब भी मोदी यहाँ आते हैं मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं और पिछले 3 मर्तबा भाजपा ने ही जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अपना दमखम दिखाती नजर आ रही। अगर कुल वोटिंग की जमीनी सतह का अंदाजा लगाया जाए तो सपा आगे दिखाई दे रही, इसका अंदाजा अब भाजपा को भी होने लगा। हर जगह पर हिंदू मुस्लिम करना, मजहब के नाम पर तफरके के बयान और बुलडोजर 20 बना मस्सी या फिर दरमियान में पाकिस्तान की भी एंट्री होती रहती है, देशभक्ति बनाम देशद्रोही का भी पैंतरा अक्सर चलने की कोशिश की गई। लिहाजा आवाम में इस बार तमाम मामलों पर भाजपा की हिंदुत्व छवि को नकारते हुए देखा गया। अब कुछ लोग ईवीएम की भी बात कर रहे हैं, कई जगहों पर वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर भी देखी गई, इसके बावजूद भी भाजपा की जीत काफी मुश्किल नजर आ रही है, ऐसा सियासी माहिरीन का कहना है। वजीर आजम ने भी तरह तरह के लिबास, डुगडुगी बजाना वगैरह तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, वही योगी की हालत भी काफी बुरी नजर आ रही है। कर्नाटक से हिजाब मामले का फायदा उठाने की भी कोशिश की गई, पूरे रियासत में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हिजाब मामले को लेकर माहौल को गरमाने की कोशिश की। आखिरी कोशिश के बाद भी आखिरी मरहले में एक और पैतरा भाजपा की जानिब से चला गया कि गुजरात पुलिस को बुलाएगा। आखिर इस चुनाव में गुजरात पुलिस का क्या किरदार रहा, लिहाजा गुजरात पुलिस की उस वीडियो को योगेंद्र यादव ने इलेक्शन कमीशन को ही टैग किया, जिसमें गुजरात पुलिस कह रहा है कि योगी ही आएगा। आखिर में कार्रवाई कर पुलिस को सस्पेंड किया गया। मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली के कुछ इलाकों में गुजरात पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। ये 3 पूर्वांचल के सबसे ज्यादा पिछड़े इलाके कहे जाते हैं। गुजरात पुलिस की तैनाती पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज पूरे दिन गुजरात पुलिस का मौजूद जर बहस रहा है। यूपी पुलिस और सीआरपीएफ के सैकड़ों दस्ते मौजूद रहने के बावजूद गुजरात पुलिस को लाने पर एतराज जताते हुए कहा गया कि इख्तदार हासिल करने की दीवानगी ने तमाम उसूलों को योगी और मोदी हुकूमत ने पैरों तले रौंद दिया है, इन्हें हर हाल में चुनाव जीतना है, यही इससे साबित होता है। कुछ जगहों पर गुजरात पुलिस योगी और मोदी की तशहीर करते देखा गया। पूरी चुनाव मुहिम में योगी हुकूमत की जानिब से शराब पैसे जमकर बांटे गए, जिसके वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिखाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह जौनपुर के मलहनी इलाके में भी भाजपा की जानिब से बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें सपा ने चुनाव आयोग से की है, इसके बावजूद चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सपा ने किलेबंदी नहीं की तो योगी की जानिब से वोटिंग में भी बेईमानी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के अफसर इस चुनाव में योगी हुकूमत की मनमानी पर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। चुनाव के आखिरी दौर में इलेक्शन कमीशन
पर जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं शायद इससे पहले कभी नहीं देखे गए, ऐसा भी कहा गया। कुल मिलाकर किसी हाल में जीत दर्ज करने की कोशिश योगी की जानिब से की जा रही है, जिसमें सही और गलत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वैसे भी हर हाल में जीतना जरूरी इसलिए भी है, अगर यहाँ योगी की शिकस्त गोया हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को 20 साल के लिए मुलतवी करने के बराबर है। धर्म के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाने का जो हुनर भाजपा और टीम ने हासिल किया था, अब ये जादू कहीं तो भी घटता नजर आ रहा है। आप लोगों में राम मंदिर या हिंदू राष्ट्र में ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आ रही, और ना ही कोई मोदी लहर दिखाई पड़ रही है। लोगों में बुनियादी जरूरतों की तकलीफें नजर आ रही हैं। सड़क, बिजली, शिक्षा, सेहत के साथ रोजगार, बच्चों का मुस्तकबिल को लेकर आवाम फिक्रमंद नजर आ रही है। इसके बावजूद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धांधली जरूर हुई है, इख्तदार का पूरा फायदा उठाने की कोशिश योगी हुकूमत ने किया है। यकीनन आवाम समाजवादी पार्टी को जिताने के साथ बदलाव तब्दीली देखना चाहती है। आवाम में एक तरह हिंदू मुस्लिम धर्म जात पात को लेकर बेजारी नजर आई, वही मुसलमानों के ध्रुवीकरण का इल्जाम भी एमआईएम पर लगाया जा रहा है। कई जगहों पर नौजवानों में असदुद्दीन ओवैसी का असर देखा जा रहा था, तो बुजुर्गों में समाजवादी पार्टी की हिमायत में भी देखी जा रही। सियासी माहिरीन का कहना है कि एमआईएम अगरचे के मुस्लिम कार्ड खेल रही है, इसके बावजूद भी भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। एमआईएम का खाता खुल सकता है पर डबल डिजिट नहीं हासिल कर सकता। और आगे एग्जिट पोल की बात की जाए तो पहले से ही हमने देखा है कि गोदी मीडिया ने जब भाजपा का नमक खाया है तो इसको जिताते हुए दिखाना भी इनकी मजबूरी है। अगर किसी तरह की सेटिंग के बगैर ईवीएम और फिर वोटों की गिनती सही संवैधानिक तरीके से होती है तो यकीन मानिए भाजपा का जीतना नामुमकिन है। और एक सर्वे के मुताबिक एक बार फिर समाजवादी पार्टी हुकूमत बना रही है। समाजवादी पार्टी 203 से 211 हासिल कर सकती है, भाजपा गठबंधन 144 से 152 तक का ही आंकड़ा हासिल कर सकती है। बहुजन पार्टी 12 से 20 और कांग्रेस 19 से 27 हासिल कर सकती है। एमआईएम 2 से 5 तक अपनी जीत दर्ज कर खाता जरूर खोल सकती है। कुछ लोग 20 और 25 का आंकड़ा भी बता रहे हैं, पर जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 5 का ही हासिल कर सकती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आने वाले चुनाव में एमआईएम के लिए साजगार माहौल बन सकता है। बंगाल की तरह यहां भी भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमानों का रुझान देखा गया, लिहाजा इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार योगी को सत्ता से निकालकर हिमालय भेजने का बंदोबस्त आवाम ने किया है। ममता बनर्जी का भी असर आवाम पर रहा, तकरीबन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने चुनावी इजलासों में मोदी योगी पर जमकर हमला किया, जिसका फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को होता देखा जा रहा है। यूपी चुनाव मुल्क की सियासत का रुख तय करती है। मुसलमानों के साथ दलित भी यूपी में परेशान है। आवाम किसी तरह तब्दीली चाहती हुए मजहबी तशद्दुद से दूर जाना चाहती है, और जाहिर है आवाम अब सवाल पूछना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान और संविधान की हिफाजत यकीन यूपी के साथ पूरे मुल्क में अमन कायम कर सकती है, जिस पर जनता संजीदा नजर आ रही है। इससे जाहिर होता है कि कहना सुनना बहुत है पर नतीजे जो आएंगे वही सच्चाई है, जिसका इंतजार सभी को होगा। 10 तारीख तक इंतजार करना होगा, तब तक सिर्फ कयास तस्करे ही लगाए जा सकते हैं। निकल जाएगा। गुजरात वाले थोड़े खिलाफ होते हैं। क्यों खिलाफ नहीं होते हैं? योगी आएगा, इसे यूपी में योगी आएगा, इसीलिए आए हो आप? हाँ, इसलिए आए हैं, योगी आएगा, योगी। रिपोर्ट करे थे, लेन करे करे तो हूँ, वहाँ से बोले करे योगी आएगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आज खंजरगली उर्दू स्कूल में पानी के बोर की खुदाई अमल में आई। वाजा रहे खंजरगली उर्दू स्कूल में 900 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पानी की किल्लत को महसूस भी किया जा रहा था। बारह इस मसले पर तस्करे तो होते रहे, लिहाजा एमएलए नॉर्थ और वार्ड नंबर 1 के कारपोरेटर इकरामुल्ला की कोशिशों से आज पानी के बोर की खुदाई से स्कूली बच्चों के लिए पानी का मसला हल किया गया। आज खंजरगली उर्दू स्कूल इहाते में बोर की खुदाई की गई। इस वक्त तमाम मोहल्ले के जिम्मेदार और कारपोरेटर मौजूद। हेलो जनाब, बहुत कोशिश है, कोशिश बहुत ही है। Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्कूल के असातिज़ा और यहाँ पर मौजूद हमारे स्कूल खंजर गली स्कूल के मीर मुदर्रिस और दीगर इस वार्ड के और मोहल्ले के ज़िम्मेदारान, आज इन तमाम को यहाँ पर देखकर बड़ी हमें खुशी और मुसर्रत हो रही है, क्योंकि आज जो काम और जो खिदमत यहाँ पर अंजाम दी जा रही है, मैं समझता हूँ कि हमारी खंजर गली स्कूल के लिए एक तारीखी और एक हिस्टोरिकल कारनामा है। मैं यहाँ पर तकरीबन 15 साल से देख रहा हूँ। ये बेलगाम शहर की बहुत ही पुरानी यानी तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी स्कूल है और बेलगाम के सिर्फ खंजर गली, कोतवाल गली, दरबार गली के बच्चे ही नहीं, बल्कि बेलगाम शहर के गांधीनगर, उज्जवल नगर, वड़गांव, शाहपुर, आज़म नगर, तमाम इलाकों के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और ये स्कूल यहाँ की तालीमी मियार और क्वालिटी के लिए जानी जाती है। लेकिन ये मदरसा, ये स्कूल बहुत ही बुनियादी चीज़ों के लिए क्या है, परेशानी का एक हमारे सामने मसला आता था। हालांकि अब तक यहाँ पर बहुत सारी कोशिशें हुई और यहाँ पर इमारत का मसला था, वो भी पिछले चंद सालों में क्या है, यहाँ पर कमरे सैंक्शन हुए, वो मसला ख़त्म हो गया और हमेशा कि यहाँ पर बच्चों की जो तादाद है, स्ट्रेंथ है, हमेशा 600 से ज़्यादा रही है। लेकिन इन 2 सालों में ये कोविड के मोहल्लिक विवाह में यहाँ पर इस साल हर साल से 200 बच्चे ज़्यादा एडमिशन यहाँ पर लिए हैं। इस वक्त हमारे स्कूल में 800 से ज़्यादा बच्चे यानी लड़कियाँ यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं। LKG से लेकर 10th जमात तक क्या है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। ये 900 बच्चों के लिए है। जो पानी का इंतज़ाम यहाँ पर था वो नाकाफी था। दोपहर में अक्सर बच्चों को क्या है, ज़रूरत के लिए पानी का जो थोड़ा है क्या है मसला चल रहा था, पानी की किल्लत महसूस हो रही थी, पीने का पानी का सही इंतज़ाम नहीं हो रहा था। तो इसके बारे में क्या बहुत सारी कोशिशें यहाँ पर चल रही थी। ये बहुत सारे हमारे यहाँ पर हेडमास्टर्स आए, बहुत सारे टीचर्स आए, कोशिश किए, कुछ हद तक उसमें कामयाबी मिली। लेकिन इस बार बहुत ही अल्लाह का करम हुआ कि इस बार के जो हमारे यहाँ पर जो चुनकर जो कामयाबी हासिल करके जो वार्ड नंबर 1 से और जो हमारे दीगर वार्ड वाले यहाँ पर जो मुंसलिक हैं हमारे स्कूल से, इकरा मुल्ला बिलखसूस में उनका नाम लेना यहाँ पर मुनासिब समझता हूँ, ये 3-4 महीनों से लगातार दिन रात इनकी कोशिश रही हमारे टीचर से, हमारे हेडमास्टर से, हमारे कमेटी के जिम्मेदारान से बाकायदा कॉन्टैक्ट और रब्ता बनाकर क्या है, ये पानी का मसला उन्होंने खुद अपने आँखों से देखकर ये बोरवेल का इंतज़ाम किया है। मैं समझता हूँ कि अब तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके बाद जो बच्चे आकर पढ़ने वाले हैं, वो तमाम बच्चों की दुआएँ आपके साथ में हैं और मैं समझूंगा कि एक नेक काम है, क्योंकि पानी फराहम करना क्या इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और ये कोई एक मामूली काम नहीं था। बहुत कोशिश इसमें लगी है, मेहनत लगी है और इसके बाद भी क्या है, ऐसे बहुत सारे काम हैं और भी हमारे स्कूल में। मैं समझता हूँ कि इनके ये परेड में, इनके कॉरपोरेशन के परेड में क्या है, ऐसे बहुत सारे काम होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, नेक उम्मीद करता हूँ। और इस मौके पर सबसे जो ज़िम्मेदार और जो अच्छा यहाँ पर उनका जो हमारा साथ रहा, वो हमारे शहर के MLA हैं, उन्होंने भी क्या है यहाँ पर 1-2 मरतबा उनकी भी यहाँ पर विजिट हुई थी स्कूल में, आकर उन्होंने भी क्या है अपने दीगर अफसरान से बात करके अपने डायरी में यहाँ पर स्कूल में जो जो परेशानियाँ हैं, जो जो ज़रूरियात हैं, उसका लिस्ट बनाकर लेकर गए थे। उन्होंने उनकी भी इसमें कामयाब कोशिश रही और साथ ही साथ हमारे कारपोरेटर्स की भी कोशिश रही और जमात के यहाँ पर जो खंजर गली जमात के जो मेम्बरान हैं, उन्होंने भी इसमें क्या है बाकायदा अपना ताउन पेश किया है। तो इस मौके पर हम तमाम स्कूल की जानिब से और हमारे 800 बच्चों की जानिब से इन तमाम खासकर MLA और 1 नंबर वार्ड के कॉरपोरेटर और जो हमारे 2 नंबर वार्ड के कॉरपोरेटर, उनका भी मैं नाम लेना मुनासिब समझूंगा, उनका और तमाम इसमें जो अपना किरदार अदा किए हैं, तमाम का क्या है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसी आगे भी हमारी उम्मीद है और थोड़े बहुत सारे काम हैं, वो मिलकर हमें और आपको एक अर्जी देंगे, उसके ऊपर भी क्या आप कामयाब कोशिश करके उस ज़रूरत को पूरा करेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। और मेरे 2 बातें हैं, मैं इतना कह कर क्या है अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बेलगाम विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हिजाब पहनने वाली लड़की बुशरा मतीन ने 16 गोल्ड मेडल जीतकर
वीटीयू की तारीख में रिकॉर्ड बना दिया। ये इतला वीटीयू के चांसलर करगिस्सी दप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। अब जो लोग हिजाब पर उछल कूद कर रहे हैं ये इन्हें तमाचा ही कह सकते हैं। ये महज एक मिसाल है। अगर मुस्लिम लड़कियों को किसी तरह दबाव ना बनाते हुए पढ़ाई खेलकूद में आगे बढ़ाई जाए तो और भी कारनामे अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा जो लोग मुस्लिम लड़कियों को हिजाब की आड़ में पढ़ाई से रोकने की कोशिश कर एक तशद्दुद का और एक फिरका परस्ती का माहौल बनाना चाहते हैं इनके लिए ये तमाचा ही कह सकते हैं। 16 गोल्ड मेडल हासिल करने की पहली वारदात है। बुशरा मतीन के इस कामयाबी पर पूरे मुल्क से मुबारकबाद दी जा रही है। वीटीयू बेलगाम में पढ़ने वाली बुशरा मतीन रायचूर की है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इदु अचीवमेंट नानु ड्रीम माड़ी दिनी ಈಗ ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 13 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ 16 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಂದೊಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ನಾನು ನನ್ನ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿಯೇ. ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ SLN ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎರ್ಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ನೀವು ಏನಿದೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳವರು ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇರಲಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನನಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು. ನಂದು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮಾಡೀನಿ. ನನಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏಮ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಈ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, SLN ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನಾಗಿ. ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಿಜಾಬಿಂದು ಏನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೈಟ್ ನೌ ನನ್ನ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ SLN ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿಯೇ ಓದಕತ್ತಾಳ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಜಾಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ರಾಯಚೂರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿನೂ ಬರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿನೂ ಬರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಯಾರೂ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ವಿಶರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏಮಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ನನಗೇನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಬೈಜೂಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಏಮಿದೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಯಾರ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಕರಿಯರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.